नमस्कार दोस्तों, सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं अशोक कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि YouTube वीडियो पर एंड स्क्रीन में वीडियो कैसे डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इसके बारे में सारी जानकारी बारीकी से बताने वाला हूँ और इसके फायदे क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि एंड स्क्रीन से हमारे को क्या फ़ायदा मिलता है और इससे जो है क्या ज़्यादा व्यूज आते हैं या नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या नहीं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे नए टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं और घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि एंड स्क्रीन से फ़ायदे क्या मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया तो उसके बाद में मैंने लास्ट में दो वीडियो डाल दिया, दो या तीन जो भी मैं डालता हूँ डाल दिया, जैसे कि मैं दो वीडियो ही डालता हूँ एंड स्क्रीन में। मेरे जो भी वीडियो है मतलब यूट्यूब पर मैं सभी में दो वीडियो डाला है एंड स्क्रीन में। तो जैसे कि मैं मेरा कोई भी वीडियो जो है अपलोड किया मैंने और यूट्यूब पर वो फैल गया, मतलब उस पर ज़्यादा व्यूज आ गए, तो ज़्यादा व्यूज आ जाएंगे तो लास्ट में जो भी बंदा, जैसे कि मैं मेरा दोस्त किसी भी वीडियो को मेरे वीडियो को देख रहा है तो लास्ट में उसको दो वीडियो देखेगा एंड स्क्रीन वाला, तो उस पर भी वो देख लेगा, उस पर भी वो क्लिक कर देगा, तो जिससे कि मेरा दो वीडियो है वो लास्ट वाला उसका भी प्रसार हो जाएगा साथ में। और वो जो सब सजेशन में मतलब सजेशन में जितने भी वीडियो आते हैं दूसरे चैनल के, उस पर क्लिक करने के बजाय मेरे ही वीडियो पर वो क्लिक कर देगा। तो यही फायदा है दोस्तों एंड स्क्रीन लगाने का, जिससे कि मतलब कि हमारे चैनल पर ही लगातार मतलब व्यूवर्स बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों यही फायदा है, जिससे कि हम जो एंड स्क्रीन लगाते हैं वीडियो पर तो उससे जो है हमारे चैनल का ही प्रसार होता रहता है, जिससे कि मतलब आपको फायदा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको सारी जानकारी बारीकी से बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ मैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं कैसे लगाता हूँ एंड स्क्रीन, और फिर आपको भी मालूम पड़ जाएगा आसानी से कि एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब वीडियो पर एंड स्क्रीन लगाने के लिए हमारे सबसे पहले मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र है ओपन, उसको ओपन कर लेना है और उधर आपको एंटर करना है youtube.com। तो मैंने जो है youtube.com का साइट ओपन किया है, तो उधर आपको जो है सबसे पहले लॉग इन करना होता है। तो मेरे फ़ोन में पहले से ही लॉग इन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है आप उसमें देख सकते हैं STA, मतलब कि मेरा चैनल है जो अभी लॉग इन किया हुआ है। तो अभी इधर आपको, अगर आपने लॉग इन नहीं किया तो इधर आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आप लॉग इन कर देना। तो मेरे फ़ोन में पहले से लॉग इन किया हुआ है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं। तो एंड स्क्रीन लगाने के लिए दोस्तों हमारे को सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा देता होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोस्तों आप लिख दीजिए YouTube और इसके पास में जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 3 लाइन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने जो ऐसे ऑप्शन आए हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है माई चैनल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो एक नया पेज ओपन होगा, उसके सामने आपको दिखाई देंगे आपके सब्सक्राइबर, व्यूज़ और वीडियो मैनेजर, 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो इस पर आपको क्लिक करना है वीडियो मैनेजर पर। तो मैंने वीडियो मैनेजर पर क्लिक कर दिया, अब हमारे सामने जो है एक नया पेज ओपन होगा। ये नया पेज ओपन हो चुका है दोस्तों, अब आप इधर देख सकते हैं जैसे कि मेरा वीडियो है ये हाउ कनेक्ट विथ मोबाइल, मतलब ये माइक है जिसका मैंने बताया भैया माइक हाउ कनेक्ट विथ मोबाइल। तो मैं इसके पीछे, इस वीडियो के पीछे जो है एंड स्क्रीन आपको लगा कर दिखाने वाला हूँ। तो इस पर एंड स्क्रीन लगाने के लिए हमारे को इस पर क्लिक करना होता है एडिट पर, वीडियो के नीचे आपको दिखाई दे रहा है एडिट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इधर से एक जो है नया एक पेज ओपन होगा और इधर आपको दोस्तों ऐसा पेज दिखने लगेगा। तो अब आपको जो है ऊपर आप दोस्तों देख सकते हैं एंड स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको वीडियो के ऊपर एंड स्क्रीन, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया और एक और ओपन होगा, एंड स्क्रीन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये पेज जो ओपन हुआ है, इस पर हम जो है एंड स्क्रीन लगा सकते हैं इस पेज से। ये पेज जो है लोड हो चुका है और अब आपको दोस्तों इसके नीचे आप दोस्तों देख सकते हैं वीडियो के नीचे एक ऑप्शन आ गया 2 पॉइंट, मतलब कि 2 मिनट और 44 सेकेंड पर इधर से जो है शुरू हो जाएगा एंड स्क्रीन, मतलब कि 20 सेकेंड पहले का मतलब डिफ़ॉल्ट है। 3 मिनट और 4 सेकेंड का वीडियो है और 2 मिनट और 44 सेकेंड पर ये जो है मतलब एंड स्क्रीन शुरू होगा। तो अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपका जो वीडियो है एंड स्क्रीन आपको किधर से शुरू करना है। तो मेरे को जो है 15 सेकेंड पहले शुरू करना है, तो इसके लिए मैं इसको 49 पे ले लेता हूँ, 49 सेकेंड पर यहाँ से जो है मेरा एंड स्क्रीन शुरू करना है मेरे को। तो मैं इधर लगा देता हूँ, ये मतलब एंड स्क्रीन का ऑप्शन आ चुका है मेरे वीडियो में। तो अब मैं इधर से जो है एंड स्क्रीन लगा देता हूँ। तो एंड स्क्रीन लगाने के लिए हमारे को जो है इस पर क्लिक करना है एड एलिमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है।
पहले इधर आपको जो है 2 मिनट और 49 सेकेंड मैंने इस पर क्लिक सेट किया है। तो ऐसे ही आपको जो है सेट कर लेना है कि आपको किधर से मतलब ग्रैंड स्क्रीन शुरू करना है, तो वो टाइम सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको इस पर क्लिक करना है ऐड एलिमेंट। तो आपका जो है जो भी आप वीडियो डालोगे ग्रैंड स्क्रीन पर तो वो सब इधर से ही शुरू होगा, मतलब कि जो आपने टाइम सेलेक्ट किया इधर से ही शुरू होगा। तो मैं जो इधर एक तो सब्सक्राइब का डाल देता हूँ, तो सब्सक्राइब का एक क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। सब्सक्राइब का जो है ये ऑप्शन बन चुका है, आप दोस्तों देख सकते हैं, तो ये सब्सक्राइब का एक ऑप्शन बन चुका है। तो इस पर जो भी क्लिक करेगा तो मेरा सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिल जाएगा उसको। तो मैंने इसको लगा दिया, इसको खींच कर इधर, और ऐसे ही आपको जो है वीडियो का भी लगा देना है ऐड एलिमेंट पर क्लिक करके। ये सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वीडियो और प्ले लिस्ट और सब्सक्राइब और चैनल एंड लिंक। तो आप जो है चार ऑप्शन के द्वारा आप जो है इस पर एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। तो मैं एक तो सब्सक्राइब का लगा दिया मैंने, अब मैं वीडियो और प्ले लिस्ट इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस पर मैंने क्रिएट पर क्लिक किया तो इधर हमारे सामने जो है 3 ऑप्शन और आए हैं। तो 3 ऑप्शन में हमारे को सेलेक्ट करना है, मैं सेलेक्ट करता हूँ शूज है, वीडियो और प्लेलिस्ट। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो भी मतलब मेरी वीडियो की लिस्ट है वो आ जाएगी। ये दोस्तों वीडियो की लिस्ट आ चुकी है, मैंने 3rd ऑप्शन पर क्लिक किया। तो अब मैं जो है इसके बारे में कोई वीडियो लगा देता हूँ, जैसे कि बोया का माइक है, तो इसका जो मैं ये रिव्यू किया है मैंने, तो इसका वीडियो एक तो डाल देता हूँ। और एक वीडियो डाल ऑप्शन मतलब एक वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस पर क्लिक कर देना है, क्रिएट एलिमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो मतलब दूसरा भी लग चुका है इधर, आप दोस्तों देख सकते हैं, ये तो पहले सब्सक्राइब का लगा दिया था मैंने और ये दूसरा वीडियो भी इधर आ चुका है। तो इसको मैं खींच कर सही लगा देता हूँ, इसके ऊपर सेट कर देता हूँ सही। तो इसको जो मैंने इधर सेट कर दिया है, अब मैं दूसरा एक वीडियो और लगाता हूँ। तो दूसरा वीडियो और लगाने के लिए हमारे को इस पर क्लिक करना है ऐड एलिमेंट। इस पर मैंने क्लिक किया और हमारे सामने वापस से 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो मैं इस पर जो वीडियो पर क्लिक किया और एक वीडियो जो है मैं एक और डाल देता हूँ। तो इस पर मैंने जो है 3rd ऑप्शन पर क्लिक किया, थोड़ा सा लोडिंग होता है क्योंकि ये यूट्यूब का साइट है ना इसलिए। तो मैं दूसरा वीडियो कोई भी मतलब इसके सेम जैसा ही कोई मतलब ऐसे डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने मोटो E5 का मोबाइल का एक वीडियो डाल दिया है और फिर मैं क्रिएट एलिमेंट इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये भी मतलब 3 वीडियो अब आ चुके, 3 ऑप्शन इधर आ चुके हैं, मतलब कि मैंने एक तो चैनल का सब्सक्राइब का बताया, एक BM1 और एक मोटो E5 मोबाइल। तो मतलब तीनों का मतलब इधर एंड स्क्रीन लग चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसको भी मैं लगा देता हूँ इसके सही जगह पर, इसको लगा देता हूँ। तो ये भी सही जगह लग चुका है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना है सेव पर, नहीं तो ये सेव नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ दोगे। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, राइट साइड में सबसे ऊपर है ये सेव का ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करने के बाद में ये जो है सेव हो जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये ऑल चेंजेस सेव सेव हो चुका है, जितना भी चेंजेस था मैंने किया वो सेव हो चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दें। और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और दोस्तों मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।